हो या विदेश की, समाज की हो या फिर विकास की, अपराध की हो या अपराधी की, चाहे हो राजनीतिक पहलुओं को छूता हुआ कोई ज्वलंत मुद्दा या फिर ग्लैमर की चकाचौंध में डूबी हुई हमारी फिल्मों की, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप मुझे देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज पर। पेश है आज की प्रमुख खबरें। न्यू आगरा के कमला नगर जी ब्लॉक इलाके में तेल व्यापारी शत्रुधन पंजवानी को 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। पैर में लगी गोली से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल मामला थाना न्यू आगरा के कमला नगर जी ब्लॉक का है, जहां तेल व्यापारी शत्रुधन पंजवानी अपनी दुकान बेलनगंज से अपने घर कमला नगर के लिए आ रहे थे, तभी 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पीछे से आकर व्यापारी को गोली मार दी। गोली व्यापारी के पैर में लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये बुरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि बदमाशों ने किस कारण से व्यापारी को गोली मारी है। फिलहाल बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। मेरा नाम मुरारीलाल। बताया जी गोली चली, हम यहाँ खड़े थे, भागते आए, दो तीन आदमी भागते, गोली मार के एक आदमी, तीन आदमी बैठे गए उसमें। वो तो अकेला था, वो तो गली में रहते हैं पास में। अच्छा, नाम गिनने वाले, क्या नाम है? गोली की आवाज आई थी, गोली मारी है उसके पैर में, गोली लगी है उसको। एक शत्रुघ्न पंचवानी करके व्यापारी, इनका रिफाइंड का काम है न्यू आगरा थाना क्षेत्र में। ये जब अपने घर की ओर लौट रहे थे तो एक बाइक सवार 3 बदमाशों ने इन पर फायरिंग की है। इसके हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। तो इससे क्या लगता है, लूट के मंसूबे रहेंगे या कोई रंजिश का मामला, क्या लगता है? क्योंकि अभी जिनके साथ घटना हुई है उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है, तो वो जब बयान देने की पोजीशन में आ जाएंगे तब ये सारी बातें क्लियर होंगी।